प्रेज द लॉर्ड। हर एक मसीह भक्तों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम। स्वर्गीय मन्ना यूट्यूब चैनल के जरिए फिर से परमेश्वर का वचन फिर से और एक बार सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। मैं जानता हूं लॉकडाउन के दौरान आप सब अपने अपने घरों में हैं। बीते समयों में जब तक चर्च चले उस समय से ज्यादा सभी लोग आत्मिक बन गए हैं, ताकि ये परमेश्वर का एक योजना था। मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रार्थना वचन का मनन इस लॉकडाउन के समय में हुआ। वो परमेश्वर हम सबों को विशेष करके भारत के मसीहों को इस लॉकडाउन के जरिए बहुत फायदा मिला है। लेकिन कई लोग अभी भी घरों के अंदर में मोबाइल खेलते हुए टाइम पास करते हुए बैठते हैं, लेकिन बहुतेरे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वचन मनन करते हुए और कई प्रोग्राम के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में है, उपवास प्रार्थना में है, चेन प्रेयर में है, और लड़के अलग से प्रार्थना, लड़कियां अलग से प्रार्थना, और बहन लोग अलग से, भाई लोग अलग से, रात को 10 बजे से 11 बजे तक मिलकर इसी प्रकार परमेश्वर का वचन में प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं। आइए इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर हमें बहुत अच्छा समय दिया है। हालांकि लॉकडाउन ये पहली बार नहीं है, बाइबल हम पढ़ेगा तो शुरू से लेकर नूह का समय से लेकर लॉकडाउन शुरू हुआ है। हर प्रभु के दास लोग अलग अलग समयों में परमेश्वर इस प्रकार उनको अलग कर दिया है, ताकि परमेश्वर का वचन में, मनन में, प्रार्थना में वो आगे बढ़ सके। विशेष करते हुए एक वचन मैं जल्दी से आपके सामने बताना चाहता हूं। यशिया नबी के पुस्तक उसका 26वां अध्याय 20वां वचन में हम इस प्रकार देखते हैं। आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉकडाउन के लिए पूरा भारतवासियों को मौका दिया, इसी प्रकार दुनिया के 209 राष्ट्रों में भी इस समय में लॉकडाउन है, और इस समय परमेश्वर और गवर्नमेंट हमें आज्ञा दिया है। यशिया नबी 26:20 में, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। यशिया नबी ने 26:20 में लिखा है, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। कोरोना के वायरस के कारण पूरे विश्व में लोग डरे हुए हैं। लोग अपने अपने घरों में गवर्नमेंट के और परमेश्वर के आदेश अनुसार घरों में बैठे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, क्रोध शांत होने तक, यह वायरस खत्म होने तक, गवर्नमेंट का अगले आदेश आने तक हमको परमेश्वर के उपस्थिति में अपने घर में बैठकर प्रभु की महिमा करना है। घर छोड़कर बहुत सारे लोग जो बाहर घूम रहा है वो गवर्नमेंट का और परमेश्वर का वचन के अनुसार, गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार गलत कार्य कर रहा है, उसके द्वारा ये कोरोना और फैल सकते हैं। इसलिए हर मसीही लोगों से मेरा अपील है, हर पासवानों से अपील है, अपने अपने कलीसिया को आदेश दे, जब तक गवर्नमेंट ना बोले तब तक घरों के अंदर में रहे, और इस समय प्रार्थना में, आराधना में परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ना है। वो जब तक क्रोध शांत ना हो हमको कोठरी के अंदर में बैठना है, टाइम पास करते हुए नहीं बैठना है, परमेश्वर का उपस्थिति में हमको बैठना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें घर के अंदर रहने के लिए आदेश दिया है, हमारा परमेश्वर भी
आज्ञा दिया है शासकीय अधिकारियों के आधीनता में हमको रहना है। रोमियो 13 अध्याय का 1 और 2 में लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, वरन जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, गवर्नमेंट का आदेशों का पालन करना है, शासकीय अधिकारियों के अधिकार को उसके अधीन रहना परमेश्वर हमें सिखाते हैं, ताकि इस दुनिया के जितने शासन हैं, जितने राष्ट्र हैं, उसका शासकों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हमारे लिए नियुक्त किया है, इसलिए उनका आदर करते हुए, उनका आज्ञाओं का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। अगर आज्ञाओं को तोड़ेगा दंड मिलेगा करके परमेश्वर का वचन में लिख रखा है। इसलिए गवर्नमेंट का अगले आदेश आने तक हमको घरों में रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, कोठरियों में बैठकर प्रभु की महिमा करना है। जरूर परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, जरूर इस वायरस खत्म होने तक आप घरों में रहकर प्रार्थना करेगा तो एक बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर आपको बाहर में लाएगा और प्रभु की बड़ी महिमा आपके द्वारा होगा। लॉकडाउन के विषय में मैं कई बातों को आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले न्यू के समय में लॉकडाउन हुआ, उस समय परमेश्वर स्वयं न्यू को, उनका परिवार के 8 लोगों को जहाज में रहने के लिए आदेश दिए। आप जानते हैं 120 वर्ष तक न्यू प्रचार करते हुए घुमा, लेकिन एक व्यक्ति भी उस जमाने में न्यू का बात और परमेश्वर का बातों को नहीं सुना है। हम देखेंगे उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 16 और 17 में मैं पढ़ रहा हूं। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और माता गए, तब यहोवा ने जहाज का दौर बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यू के समय में परमेश्वर ने न्यू के दौरे 120 साल वचन सुनाने के बाद नहीं मानने वाले लोगों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के पास निर्णय आया। न्यू को परमेश्वर ने बताया एक जहाज बनाओ, न्यू जहाज बनाया और 8 लोग, उनका घर के 8 लोग उसके अंदर में प्रवेश हुए। हर जाति और हर जो पक्षी और जंतुओं का 2-2 जोड़ा को भी उसके अंदर में प्रवेश करवाया और परमेश्वर न्यू के द्वारा जहाज बनवाया, लेकिन जहाज का दौर यहोवा बंद कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का एक एक घटनाओं को देखते हुए, लक्षणों को देखते हुए हमारा यीशु आने का हालेलुया वक्त आया है। यीशु मसीह ने कहा न्यू का समय का जैसे मनुष्य का पुत्र का आगमन में ये इसी प्रकार होंगे। इस विषय के बारे में मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो यहां पर हम देखते हैं यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। 17 में लिखा है, पृथ्वी पर 40 दिन रात जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उड़ गया। और उसका 22 से हम लोग देखते हैं, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था सब मर गए, मर मिटे। और क्या पशु, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो पृथ्वी पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल न्यू और जितने उसमें संग जहाज में थे वे ही बच गए। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया।
जहाज के बाहर में जितने थे वो मर मिटे हैं, जहाज के अंदर के पक्षीगण जंतुगण और आठ जो इंसान नूह के परिवार बच गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज गवर्नमेंट और परमेश्वर यही बोल रहे हैं, अगर कोई बाहर निकलेगा वो नाश हो जाएगा, ताकि कोरोना उसको पकड़ सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट और परमेश्वर कह रहा है इस समय अंदर में बैठो, ये लॉकडाउन का समय है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, यिर्मयाह के पुस्तक 9 अध्याय का 21वें वचन में हम जाते समय वहां पर इस प्रकार लिख रखा है, यिर्मयाह 9 का 21 में, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। वास्तव में कितना सत्य बात लिखा है, मृत्यु खिड़कियों से आएगा। बाहर में निकलना खतरा है, इसलिए बार बार बोलता है बाहर ना निकलो, प्रेज़ द लॉर्ड, अंदर में ही रहो। मैं कई बातों को यहां पर बताना नहीं चाहता, आप समझदार है। प्रभु के वचन, एक एक वचन जो है सात बार ताया हुआ है, और इस भविष्यवाणी का वचन पृथ्वी में पूरा होते हुए आप देख रहे हो। तो यहां पर हम देखते हैं न्यू को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला, और जहाज का जो दौर जो है परमेश्वर बंद किया 370 दिन तक। प्रिय भाइयों बहनों, नूह जहाज के अंदर में था। आज 21 और उसका पहले 3, ये 24 दिन आप लॉकडाउन के द्वारा घरों में बंद है, और आपको बहुत परेशान हो रहे, आप 24 दिन घर के अंदर में रह नहीं पाते, लेकिन 370 दिन नू और उनके परिवार और जानवरों पक्षीगण उस जहाज के अंदर में थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल लॉकडाउन के हालेलुया इस समयों में हम केवल नहीं, हमारे पहले हमारे पूर्वज लोग भी इस प्रकार के परिस्थिति से गुजरे हैं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, उस समय इतने लोग दुनिया में नहीं रहते थे, इतने प्रसिद्धि इस दुनिया में नहीं हुए थे, लेकिन उस समय के लोग भी लॉकडाउन के हालेलुया उस अनुभव से गुजरे हैं। अय्यूब के जीवन में अगर हम देखा जाएगा, तो मैं वचन उठाकर नहीं पढ़ रहा हूं, अय्यूब उसके 23 अध्याय उसका 10वें पद में हम लोग देखते हैं, अय्यूब 23 अध्याय उसका 10वें पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। वो मेरा कहने के मतलब, अय्यूब बीमारी के द्वारा बहुत कष्ट उठाए हुए एक व्यक्ति है। इतना कष्ट उन्होंने उठाया, लेकिन याद रखना, एक अकेलापन महसूस किया। उनका पत्नी उनको त्याग दिया, उनका हालेलुया बच्चे नष्ट हो गया, और उनके दोस्त लोग उनको उसका मतलब तिरस्कार कर रहे थे, ठट्टा में उड़ा रहे थे, जो कोई उसको देखते थे वो सब टट्टों में। उसका मतलब अय्यूब के लंबे बीमारियों के समयों में कोई भी उनसे बात करने के लिए भी उनके पास नहीं आया। एक प्रकार का लॉकडाउन में थे प्रभु का दास, लेकिन वो प्रभु का सामने कह रहा है, पूरे लोग उनको त्याग दिया, पत्नी भी त्याग दिया, लेकिन उसी समय में भी प्रिय भाइयों बहनों अय्यूब कहता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मैं कैसी चाल चला हूं, जब वह मुझे ठा लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। सोना को अगर अग्नि में कटोरी में एक कटोरी में सोना डालकर एक आग में रखेगा, उसके अंदर का पूरा मिलावट जल कर खाक होगा,
और वो चमकने वाला सोना बन जाएगा। वैसा ही ये लॉकडाउन का समय में मोबाइल में खेलते हुए व्यर्थ मनोरंजन देखते हुए अगर आप हालेलुया बैठेगा, आप सोना जैसे चमकेगा नहीं। लेकिन ये सब व्यर्थ कार्यों को छोड़कर आप प्रार्थना कमरा में बैठकर परमेश्वर के साथ संगति करेगा तो, वचन को मनन करेगा तो, प्रार्थना करेगा तो, रोएगा तो, प्रियो जब ये लॉकडाउन बंद होगा तब आप ऐसा चमकने वाला, ऐसा भरपूरी अभिषेक वाले, ऐसा दर्शन वाले एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर आगे का दुनिया में, उसका मतलब आगे का समय में आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार यूसुफ के जीवन में आप जानता है यूसुफ ऐसे एक व्यक्ति था, हालेलुया, जो गलती नहीं किया। पोतीफर के पत्नी गलत आरोप लगाए उनके ऊपर, उनको जेल में जाना पड़ा, लेकिन उस समय में भी वो भाई कितना कष्ट उठाया है, हालेलुया। जेल के अंदर में लॉकडाउन में थे कई समय, लेकिन आप याद करिए उस समय में भाई के साथ परमेश्वर था। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 39 अध्याय में जब हम जाते समय वहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा। 39 का 20 और 21 में पढ़ना चाहता हूं, 39 का 20 और 21। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया, अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग 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 रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक प्रकार का लॉकडाउन था यूसुफ का जीवन में, गलती नहीं की, नाम खराब कर दिया, जेल में लॉकडाउन में था, और उसी समय भाई परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर उनको जानता है वो गलती नहीं की, फिर भी वो हालेलुया जेल में रहा, लेकिन वो प्रार्थना की, प्रभु के सामने रोया। इस कारण परमेश्वर का कृपा उनके ऊपर हुई, हालेलुया। आप जानते हैं बाद में लॉकडाउन से जब बाहर आया भाई, हाल वो दर्शन का, हालेलुया, वो स्वप्न का अर्थ बताने के कारण उनको प्रधानमंत्री बनाया है। प्रभु का आत्मा कई लोगों से भविष्यवाणी करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस लॉकडाउन के समय में व्यर्थ जीवन को, व्यर्थता का, हालेलुया, कार्यों को हटाकर कोठरी के अंदर में बैठकर निरंतर वचन और प्रार्थना, हालेलुया, मनन करेगा तो, प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का आत्मा कह रहा है कई लोगों को परमेश्वर, हालेलुया, अपना पदों में से पदोन्नति देगा, और कई लोगों का आत्मिक जीवन में एक, हालेलुया, एक प्रेज द लॉर्ड अद्भुत कार्य परमेश्वर करने जा रहे हैं। आज अगर आप ये समयों में, हालेलुया, कोठरी के अंदर में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, प्रभु से रोएगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर आपको पदोन्नति देगा। जब आप बाहर निकलेगा तो आपका सेवा में, हालेलुया, बहुत तेरे लोग प्रभु में आएगा, परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का वरदान देगा, परमेश्वर आपको रोगियों को चंगा करने वाला वरदान देगा। अगर अभी तक आप वचन नहीं सुनाया है तो आप वचन का गहराई सुनाने वाला व्यक्ति होगा, ये परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है। वो देखो प्रिय भाइयों बहनों, लॉकडाउन लोगों के लिए बोर है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए बोर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से लॉकडाउन हुआ मैं गेट का, हालेलुया, बाहर में उतरा, लेकिन मैं स्ट्रीट रोड में भी ज्यादा नहीं गया, प्रेज द लॉर्ड, मैं गाड़ी चालू नहीं किया, हालेलुया, जो भी मेरे घर में सामान चाहिए मेरा बेटा जाकर लेके आता सुबह, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया।
प्रिय भाइयों बहनों, गवर्नमेंट का आदेश को हमको पालन करना है, परमेश्वर का आदेश को हमको पालन करना है। हम इन दिनों में बाहर, हम इन दिनों में कोठरी के अंदर में बैठकर रोते हुए प्रभु देखना चाहता है आपका जिंदगी। हालेलुया, इन दिनों में वचन का गहराई में अगर आप पढ़ना शुरू करेगा तो प्रभु आपको प्रकाशन देगा। जब इसके बाद आप बाहर निकलेगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा करके परमेश्वर कह रहा है। इसी प्रकार दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं, लॉकडाउन का अनुभव दाऊद के जीवन में भी आया। उनका बेटा, हालेलुया, जब उनको हालेलुया मारने के लिए कोशिश किया, दाऊद और उनके संगी लोग हालेलुया जंगल में गुफाओं में रहा करके हम देखते हैं। पहला शोमेल उसका 23वें अध्याय, पहला शोमेल 23वें अध्याय उसका 14वें वचन में हम लोग देखते हैं, तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के दीब नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, दुनिया के लोग कोरोना के कारण से डर के कारण घर के अंदर है, लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, आप डरने की जरूरत नहीं। आप कोठरी में बैठकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो आपका डेरे के निकट वो नहीं आएगा। 91 भजन, हालेलुया, आपको और दृढ़ करे। तो मैं आपको बोलना चाहता, ये दाऊद, हालेलुया, दाऊद को उनका साथियों को पकड़ने के लिए राजा अपने सेना को भेजा, लेकिन गड्ढों में गुफाओं में हालेलुया छुपकर वहां बैठकर प्रार्थना करने वाला, वहां बैठकर परमेश्वर की महिमा करने वाला, रोने वाला दाऊद को हालेलुया राजा तक पकड़ नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद के जैसे लॉकडाउन के समय अपना कमरा में बैठकर रोना शुरू करो, परमेश्वर आपका जिंदगी को बदल डालेगा। उसका आगे 29 पद, पहला शमूएल 23:29 में भी लिखा है, वहां से दाऊद चढ़कर एक गदी के गड्ढों में रहने लगा। उसका मतलब राजासन में बैठने वाला, राजमहल में रहने वाला, हर सुविधाओं में रहने वाला दाऊद आज जंगल में, जहां कोई सुविधा नहीं, जहां कोई फैसिलिटी नहीं, उस अनुभव में रह रहे हैं। हालेलुया, आपका जन्म से लेकर यादगार समय से लेकर पिछले 2-3 हफ्ते तक आप मस्त गाड़ी में घूमते थे, आप महल जैसे घरों में रहते थे और मस्त इधर उधर घूमते थे, हालेलुया होटलों में जाकर खाना खाते थे, सब कुछ किए। आज देखो ट्रेन बंद है, बस बंद है, सब कुछ बंद है। प्रिय भाइयों बहनों, इस कंडीशन में परमेश्वर क्यों डाला राजा? हालेलुया, राजा थे हमारा दाऊद, हाले हर फैसिलिटी में जीने वाला दाऊद को परमेश्वर आज गड्ढे के अंदर में घुसकर बैठने के लिए, गुफाओं के अंदर में रहने के लिए परमेश्वर क्यों मौका दिया? ताकि महल में बैठकर, हर फैसिलिटी में बैठकर हालेलुया आदमी जिएगा तो वो कभी भी रोएगा नहीं। महल में रहने वाला दाऊद को परमेश्वर जंगल में लाया, गड्ढों के अंदर में लाया, हालेलुया गुफाओं में लाया। कोई फैसिलिटी वहां नहीं, लेकिन वहां बैठकर दाऊद रोया है परमेश्वर के सामने, हालेलुया। पर लॉकडाउन केवल हमारे जीवन में नहीं है, सबका जीवन में आया है, हालेलुया, हालेलुया। हमने पढ़ा न्यू के जीवन में आया सबसे ज्यादा 370, प्राइज द लॉर्ड। अय्यूब के जीवन में आया, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में आया, दाऊद के जीवन में आया, लेकिन जितने लोगों के जीवन में लॉकडाउन आया, जितने लोग उसी के उस समयों में प्रभु को पुकारा, उस समयों में परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ा, प्रार्थना किया, उनका जीवनों में आगे के दिनों में प्रभु उन्नति जरूर दिया है, हालेलुया। इसलिए प्रभु आज प्रभु आपसे कह रहा है, आज कमरामों में बैठकर रोने वाला बहन भाई, पास्टर, बच्चे, जवान, आपका उन्नति आ रहा है, आपको हालेलुया परमेश्वर जानबूझकर इस परिस्थिति से हालेलुया गुजरने का मौका दिया है, हालेलुया। केवल आपको नहीं, आपके पहले इन दासों के जीवन में प्रभु ने वैसा काम किया है, हालेलुया। दानियेल के जीवन में आप जानते हैं, एक रात पूरा और वो
हालेलुया सिंह का गड्ढे में थे. प्रेज द लॉर्ड. आप जानते हैं डैनियल के पुस्तक उसका हालेलुया 6 अध्याय उसका 16वें वचन में जब हम देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों हालेलुया डैनियल 6 का 16 में हम देखते हैं वहां लिखा है तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया. उस समय राजा ने डैनियल से कहा तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए. हालेलुया. राजा तक अपना हाथ छोड़ दिया. चुगली करने वाले लोग हालेलुया राजा के द्वारा ये काम करवाया है. मैं आपको बोलना चाहता है प्रेज द लॉर्ड अकेला शेर सिंहों के बांध में डाल दिया गया. लेकिन एक बात याद रखना आप कोई भी परिस्थिति से गुजरो आपको बचाने वाला एक ईश्वर स्वर्ग में है. हालेलुया. दुनिया में कितने भी परिस्थिति प्रेज द लॉर्ड बिगड़ जाए हालेलुया आपको हर संभव हमेशा आपके संग रहने वाला एक परमेश्वर है. हालेलुया. उसका 24वां वचन में हम लोग देखते हैं प्रेज द लॉर्ड 6:24 डैनियल तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए और वे गड्ढे की पेदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर चपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला. मैं आपको बोलना चाहता है डैनियल को क्यों नहीं छुए. डैनियल के अंदर में परमेश्वर है. आज घरों में बैठने वाला प्रियो अगर आप समय समय पर प्रार्थना करें वचन पढ़े आपका परिवार सहित आप प्रभु की महिमा करें आपका घर के अंदर में प्रभु वास करेगा. कोई कोरोना आपका घर में नहीं आएगा. भजन में लिखा है तेरे निकट 1,000 हालेलुया तेरे दहने साइड में 10,000 गिरेगा परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा. आज अपने जिंदगी को मजबूत कर आज अपने जीवन को मजबूत कर प्रार्थना में मजबूत कर वचन का हालेलुया मनन में मजबूत कर. अगर आप इसी रीति से आगे जाएंगे प्रिय भाइयों बहनों ये प्रिय लोगों का जैसे एक बहुत बड़ा गवाही आप भी बोलेगा इसमें कोई डाउट नहीं है. हालेलुया. पौलुस के जीवन में आप देखेगा तो पौलुस 14 पत्री लिखे हैं. बाइबल पढ़ेगा तो अधिकतर पत्री जेल के अंदर में बैठकर लिखे हैं. प्रेज द लॉर्ड. फिलिपियों की पत्री में जब हम जाते हैं वहां पर फिलिपियों की पत्री 1 का प्रेज द लॉर्ड 6:7 में जब हम देखने के समय 1:6-7 मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा. उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करो क्योंकि तुम मेरे मन में आवसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने के लिए देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सौभागी हो. कैद में रहने के समय फिलिपियों की पत्री लिखा. इसी प्रकार अधिकतर पत्री कैद में रहने के समय जेलों में रहने के बंदी गृह में रहने के समय प्रभु का दास ने लिखा. मैं आपको बोलना चाहता है दाऊद भी जंगल में रहने के समय गुफाओं में रहने के समय गड्ढों में रहने के समय अधिकतर भजन संगीत लिखा है. प्रिय भाइयों बहनों आज भी मैं गीत लिखा हूं. बीते दिन भी मैं गीत लिखा हूं. मैं वचनों का स्टडी करते हैं. मैं मेरी कलिसिया को हालेलुया मेरे घर में बैठकर हालेलुया चलाते हैं. गवर्नमेंट को ऑर्डर है एक जगह में इकट्ठे नहीं होना. जब से लॉकडाउन हो गया कलिसिया बंद है लेकिन घर में बैठकर लोगों से संपर्क करते हैं फोन से बातें करते हैं लोगों को मजबूत करते हैं कॉन्फ्रेंस मीटिंग चलाते हैं फोनों से. कारण क्या है हालेलुया गवर्नमेंट का आदेशों को हमको पालन करना है परमेश्वर का आदेशों को हमको पालन करना है. इस लॉकडाउन के समय में हमारे प्रभु का दास लोग किस रीति से परमेश्वर की महिमा की वैसा ही आपको और मुझे भी करना है.
पौलुस जेल के अंदर में था, स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन जेल के अंदर में बैठकर वो लोगों से बातें की, पत्रियां लिखी। आज जो कुछ पत्रियों को हम पढ़ रहे वो जेलों में बैठकर लिखा है। अगर आप घर का बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोठरी में बैठकर आपसे प्रभु बात करेगा, आप प्रभु से बात कर सकते हैं। आप अपने घरों में ये जो कीमती समय लॉकडाउन के समय में आपको मिल रहा है, आप विनियोग करिए। गीत गाने की इच्छा है तो, प्रेरणा है तो गीत लिखो, वचन हालेलुया तैयार करो, हालेलुया लोगों से बातें करो, जरूर परमेश्वर काम करे। किताब लिखने का प्रेरणा है तो किताबों को लिखो, हालेलुया। दाऊद और हमारे पौलुस लिखने में यह समय विनियोग किया है, हालेलुया। भागदौड़ का जिंदगी थे, किसी चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं थे, प्रार्थना के लिए समय नहीं था, उपवास के लिए समय नहीं था, भागदौड़ कर रहे थे। अब आप लोग घर में हैं, अब भागदौड़ आप सोचेगा तो भी नहीं कर सकता, इसलिए ये परमेश्वर की ओर से है। आप घरों में बैठो और परमेश्वर का प्रेरणा से प्रभु जो करने के लिए आपको कह रहा है वही करो। लेकिन ये बंदी गृह में रहने के समय, ये लॉकडाउन के समय में भी प्रभु का दास कितना खुश थे। फिलिप्पियों 4:4 से मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। इसलिए ये लॉकडाउन का समय में बिल्कुल समय गवाते हुए पूरा पूरा समय परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर प्रभु की महिमा करने के लिए सहायता करो। बंदी गृह में रहने वाले कैदी कुछ नहीं रहते, लेकिन कोई गलती के द्वारा नहीं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के द्वारा ये प्रभु का दास जेल में है। लेकिन उस समय भी वो बाहर के लोगों को बोल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं तुम आनंदित रहो, हालेलुया। इसलिए लॉकडाउन के समय में आप आनंदित होने का एक तरीके मैं बताता हूं, प्रभु का उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर का वचनों को पढ़ो, तब प्रभु आपको दर्शन देगा, प्रभु आपको शक्ति देगा, आप उस सामर्थ्य से उस ज्ञान फोन के जरिए दूसरों को भी बता कर देगा, हालेलुया। आज मैं भाइयों से बातें कर रहा था, 12 से 1 बजे भाइयों का मीटिंग था, उसमें मैं यही चर्चा किया है। हमारा यूहन्ना AD 95 में वो पत्मोस नामक द्वीप में डोमिनिशन सम्राट, रोमा सम्राट डोमिनिशन ने उनको हाल लिया काला पानी के लिए वहां पर भेजा। प्रेज द लॉर्ड। क्या था प्रिय वहां का स्थिति, हालेलुया। 48 किलोमीटर समुद्र के तट से 48 किलोमीटर हालेलुया अंदर में है वो टापू। वो टापू में, वो पथरीली टापू, वहां और कोई इंसान नहीं है। वहां पर इसका पहले जो हालेलुया उस टापू में कई कैदियों को फेंके हैं पानी ना मिलने के कारण, ताकि चारों दिशा में खारा पानी है, भोजन ना मिलने के कारण वहां पड़े पड़े हालेलुया भूख के कारण प्यास के कारण मर जाते हैं। उनका हड्डिया वहां पड़े हैं, उनका शव शरीर वहां पड़े हैं। अगर कुछ दिन का पहले इसी प्रकार भेज दिए तो 1 महीना का पहले मरा हुआ व्यक्ति के शरीरों में कीड़ा पड़ा है, उसका पहले भेजे हुए लोगों का शरीर सूख गया है, कई प्रकार के हालेलुया पक्षी आकर प्रेज द लॉर्ड उनका शव शरीर के हालेलुया मांसों को खा लिया है, सांपों से भरा हुआ है वो टापू, बिच्छुओं से भरा हुआ है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, इतना परिस्थिति के बीच में भी यूहन्ना को मालूम है ये लॉकडाउन में मैं अकेला है,
लेकिन मेरा यीशु मेरे साथ में है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आत्मा में भर गया था उस समय जब वचन सुनाने के समय प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका हालेलुया प्रस्थल और 9:10-11 में हम देखते हैं, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सौभागी हूं। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और परगमुन और तुएतीरा और सर्दिस और फिलदेल्फिया और लौदिकिया को। और मेरा कहने के मतलब, उसी समय किताब नहीं लिखा है, प्रकाशित वाक्य बाद में एफेसोस में आने के बाद लिखा है। याद रखना कैसे होगा वो परिस्थिति। 10 में लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आया। पिछले संडे वो यरूशलेम में आराधना किया, लेकिन इस संडे वो पत्मोस टापू में है। कुछ दिन से पानी नहीं पिया, कुछ दिनों से खाना नहीं खाया, उनका क्या क्लेश हुआ था वो प्रभु और वो जानते हैं। हाँ, एक दिन स्वर्ग जाते समय आप यूहन्ना से पूछ सकता है, पत्मोस टापू का आपका थोड़ा विवरण दीजिए, बाइबल में वो नहीं है। और मैं आपको बोलना चाहता, क्लेश जरूर हुआ है, परेशानी जरूर हुआ है, लेकिन भाई बोलते यीशु की गवाही के कारण पत्मोस टापू में था। वो उनको एक गवाही मिला है, वो क्या क्या तकलीफ में था, क्या क्या परेशानी उठाए, वो किसी को नहीं बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन में भी कई तकलीफ आया, वो आपके अंदर में है, वो आपका गवाही के लिए है। एक दिन प्रतिफल जरूर आपको मिलेगा, लेकिन याद रखना संडे में वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। याद रखना, कोठरी के अंदर में टाइम पास के लिए बैठेगा, आचरण के लिए बैठेगा, बच्चे लोगों को माता पिता बोलेगा अगर प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दीबाजी कुछ भी गीतों को गाकर कुछ पढ़कर वो आते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर कुछ नहीं। वैसा ही आप टाइम पास के लिए दूसरों को दिखाने के लिए कमरा के अंदर बैठेगा तो ये लॉकडाउन के समय में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भाई बोलता है प्रभु का दिन में आत्मा में आ गया। अब आत्मा में आएगा, आत्मा में भरेगा, तब दर्शन देखेंगे, तब परमेश्वर बात करेगा, बुद्धि से प्रार्थना करेगा, बुद्धि से आराधना करेगा, तो ये लॉकडाउन के समय में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं हरेक भाई बहनों से यही कहना चाहता हूं, बुद्धि से नहीं आत्मा से ये लॉकडाउन के समय में घर के कमरा में बैठकर आप रोना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। पत्मोस टापू में आत्मा में आए हुए यूहन्ना को जिस रीति से परमेश्वर ने प्रकाशन की आत्मा से ये सब कुछ दिखाया, वास्तव में प्रभु इस लॉकडाउन के समय में आपको भी दिखाएगा। जब आप उस आत्मा का कार्यों को प्रकाशनों को देखने के बाद में आप प्रचार करेगा, वो लॉकडाउन मेरे जिंदगी को बदल डाला। हालेलुया, मेरे आप प्रार्थना जीवन को हाले बदल डाला, मुझे प्रभु का करीब ले गया। मैं वचन इतना गहराई से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना करीब ले गया। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर आपको करीब ले जाएगा। कितने लोग करीब जाना चाहता है, जरूर इस लॉकडाउन के समय में दुखी होकर दूसरों को हालेलुया शब्द बोलते हुए अन्य जातियों के जैसे चिल्लाने का बात नहीं, आप घर के अंदर में बैठो। हालेलुया, लोग व्यर्थ में घूमने दो, लोग चेस खेलने दो, लोग हालेलुया प्रेस लॉर्ड कुछ भी खेल खेलने दो, कुछ भी करने दो, लेकिन आप इन दिनों में कमरा में बैठेगा तो, कोठरी के अंदर में जाएगा तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप एक दर्शन देखने वाला बनेगा, आप एक भविष्यवक्ता बनेगा, आप एक भविष्यवक्तनी बनेगी, आप हालेलुया एक अच्छा प्रचारक बनेगा, आपको इस बाइबल का गहराई में परमेश्वर ले जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालेलुया,
इसलिए इसे लॉकडाउन के समय में परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप में बातें करना चाहता है। कितने लोग प्रभु का आवाजों को सुनना चाहता है, कितने लोग परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। हालेलुया। न्यू 370 दिन बैठे, वो बाद में भी धर्मी का नाम बना गया, यूसुफ एक प्रधानमंत्री बन गया, दाऊद फिर से राजा बन गया। हालेलुया। पौलोस बहुत तेरे हाल 14 पत्रियों को लिखकर उस जेल के हालेलुया कैदी के रूम में रहने के समय वो फल लाया है। गुफाओं के अंदर बैठकर दाऊद भजन संगीत, आज हम हर संडे में भजन संगीत पढ़ते हैं, महलों में बैठकर नहीं, उनमें से अधिकतर गुफाओं में बैठकर लिखा, तकलीफों के बीच में लिखा, कैद अवस्था में रहा। पत्मोस टापू में कितना कष्ट उठाकर भाई यूहन्ना हालेलुया इतने बड़े हालेलुया पुस्तक को लिखने में प्रभु का सहायता वो पाया है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, ये लॉकडाउन का समय है, प्रभु आपको एक दाऊद के जैसे बनाए, एक यूसुफ का जैसे बनाए, एक नूह का जैसे बनाए, एक पौलोस का जैसे बनाए, एक यूहन्ना का जैसे बनाए, एक दाऊद का जैसे बनाए। हालेलुया, जरूर परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को कमजोर मत समझना, कमजोरों को बल देने वाला प्रभु कोठरी में उतर कर आएगा, कमरा के अंदर में उतर कर आएगा। आप बैठने का देरी है, परमेश्वर भरने के लिए तैयार है। इस लॉकडाउन के समय में प्रिय भाइयों बहनों, एक सामर्थ्य हाली एक अभिषेक से भरा हुआ एक प्रभु का दास और दासी के रूप में प्रभु आपका जिंदगी को बदल डालना चाहता है। कितने लोग आज प्रार्थना करने के लिए तैयार है, अपने अपने जगह में घुटने टेके और मेरे साथ प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, ये लॉकडाउन के समय प्रभु जी ये हमारा भलाई के लिए आपने किया, आपका करीब आने के लिए, आपका वचनों का गहराई समझने के लिए, प्रभु जी दर्शनों को पाने के लिए, सपनों को देखने के लिए, परमेश्वर लॉकडाउन के बाद एक सामर्थ्य सेवा करने के लिए आप ये प्रिय लोगों को हालेलुया बुलाया है, इसलिए उनको रखा है। इसलिए परमेश्वर आज ये भेद को जानने वाला, लॉकडाउन के समय में ये भेदों को जानने वाला हालेलुया प्रभु का दास लोग, दासी लोग, बच्चे लोग, प्रभु जी जो आपका करीब बैठे हैं उनके ऊपर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने पाए, सामर्थ उतरने पाए, ज्ञान उतरने पाए, ताकि परमेश्वर लॉकडाउन के बाद जब बाहर आएंगे प्रभु जी एक सामर्थ्य कार्यों को करने पाए, नूह का जैसे, यूसुफ का जैसे, दाऊद का जैसे, परमेश्वर पौलोस का जैसे, हालेलुया यूहन्ना का जैसे, एक सामर्थ्य सेवकाई के लिए आप इनको अपने अभिषेक से भर दिया। और बाकी जितने दिन लॉकडाउन होंगे और बढ़ सकता है, नहीं तो जल्दी खत्म हो सकता है, आप जानते हैं प्रभु जी, वो एक एक दिनों में, एक एक पल में ये प्रिय लोग आपके उपस्थिति में कमरा में बैठने का समय, कोठरी बंद करके बैठने का समय, पवित्र आत्मा का अग्नि उनके ऊपर गिरे, परमेश्वर बाइबल उठाकर पढ़ने का समय, प्रभु वो बाइबल का एक एक वचन हालेलुया इनको समझा कर दे परमेश्वर, प्रभु इनको इनका परिवार को आशीर्वाद दे, इनका हालेलुया कलीसिया को आशीर्वाद दे, सबों को आशीर्वाद दे। आपने वैसा कर दिया, धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा बहुत तेरे लोगों का आंखों को आपने खोल दिया, और परमेश्वर लॉकडाउन के समयों में जैसे प्रभु का दास लोग किए वैसा ही हालेलुया ये प्रिय लोग भी कर प्रभु जी लॉकडाउन के बाद एक सामर्थ्य सेवकाई करने के लिए आप इनको अधिकार देने जा रहे, अभिषेक देने जा रहे, इन्हें इस्तेमाल करने जा रहे। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन।